महाराज ये बताओ हमारे राज का समाचार कैसा चल रहा है। महाराज आपके राज का समाचार सब ठीक चल रहा है, आपका जितना जनता है सब खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार न संकट है न तकलीफ है, चैन की बंसी बजा रहे हैं दरबारी। बकरिया और शेर ये कहीं घाट पानी पीते हैं। कितने दिन से दरबार में काम करते हो? कम से कम 40 साल हो गया महाराज। 40 साल जी, 40 साल के बीच में सभी जनता अपना दुख सुनाते हैं, लेकिन आज तक तूने दरबार में आकर कोई बात मुझसे नहीं कहा। महाराज आज तक पूछा नहीं गया, हम कैसे बताए थे। मैं इजाजत दे रहा हूँ। इजाजत दे रहे तो हम बताने जा रहे हैं। बतलाइए क्या बात है। समझ गया, तेरे रोटी बनाने वाली नहीं है दरबारी। जब तेरे रोटी बनाने वाली नहीं थी तो आज तक के तेरा दिन कैसे कटा? आज तक जो हमारे ऊपर बीता महाराज तो दुनिया के ऊपर नहीं। क्या हुआ? चार बोझ पैरा ले आई और रात भरे माँ भीज के वो छरा हो जाए। वो कैसे? हमारे आंसू से। इतना तू रोता है? इतना रोता है दरबारी। अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। वो कैसे महाराज? आज ही तेरे लिए एक लड़की देख कर आ रहा हूँ महाराज। कहा ही कैसा नहीं, ये बेलहा देखा चौराहा? हाँ बेलहा चौराहा तो जानते हैं, उसी चौराहे पे कभी कभी वो रहती है। लेकिन ही कैसा? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर और क्या? कितना सुंदर हुई महाराज? इतनी सुंदर है कि कोयल से बढ़कर काली है। कोयल से बढ़कर काली है जी, तब तो दिलवाली हुई महाराज। हाँ दरबारी क्या हुआ? कोयल से बढ़कर काली है महाराज? तो बताओ तो दिलवाली हुई। हाँ दिलवाली है, लेकिन ये बता तेरा उम्र कितना है? तेरा उम्र कितना है? हमारी उम्र कुल है 20 से चलिया का है। ये बता तेरा उम्र 20 साल का है? हाँ। उस लड़की का उम्र तुमसे बहुत कम है। कई साल का हुई? 90 व 85 साल की होगी महाराज। क्या है? ये हमार ब्याह करा था कि हमारे गटाई में लड़िया चक्का। क्यों क्यों? अब हम कहूँ चला जाए प्रोग्राम करे। प्रोग्राम? प्रोग्राम मतलब नाचे चला जाए। नाचता भी है? हाँ महाराज। किस पार्टी में? जहीरुद्दीन शाह उर्फ गोली मार। हाँ तो अब नाचे चला जाए। हाँ ये हुए बूढ़ा गगरा लेके चली गई कुआं पानी भरे। हाँ राम जाने बूढ़ा गगरवा ईचा थी। हाँ जो गगरवा बूढ़ा लिया जाता। समझ गया, इसका मतलब शादी नहीं करना चाहता है। ना ही महाराज अभी के बवाल पाल है। शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं दरबारी। आज हम बहुत दुखी हैं, तुम सुखी हो लेकिन हम दुखी हैं। दुखी है महाराज? दुखी इसलिए कि जो मेरा छोटा भाई कुंवर है जब वो आकर मेरे बगल बैठ जाता है तो मेरा दिल ये हरा भरा हो जाता है। ठीक कहा तो महाराज, लेकिन वही छोटे सरकार का समय नहीं है, समय के अनुसार सब आएगी। खैर ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ, आता ही होगा। नाम उसका लिखवा दिया हूँ, पढ़ता है ना मालूम कहाँ भूल बैठा, जो अभी तक उपस्थित नहीं हुआ। ठाकुर भोर सिंह की जय हो। जय हो सोना सिंह, यहाँ कैसे आए? मैं आपसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारा तुम्हारा दोस्ती बचपनी में हुआ था। मैं ये सोच कर आया हूँ कि हम चले दरबार में, हमारे दोस्त पहचान सके या ना पहचान सके। दोस्त? तुम दोस्ती का हाथ मिलाने आए हो, लेकिन हमें ये एक शर्त है। शर्त इस बात का है कि कभी मेरे साथ ऐसा ना हो कि तुम धोखा कर दो। क्योंकि डाकू इतने निर्दयी होते हैं कि मैं क्या बताऊं। नहीं दोस्त, मैं वो दोस्ती नहीं करना चाहता हूं जो आप सोच रहे हैं। मैं दोस्ती करना चाहता हूं कि हमारा तुम्हारा मित्रता, जब तक हमारा तुम्हारा जिंदगी समलापत रहेगा तब तक हमारा दोस्ती और तुम्हारा अमर रहेगा। ठीक है दोस्त,
जब ऐसी बात है तो तुम जैसे आदमियों को हमेशा दरबार में जरूरत रहता है। लेकिन एक बात आज आपसे मैं कहना एक चाहता हूँ कि चोर मैं दोष, चोर बदमाश जरूर हूँ, लेकिन कहीं मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो मुझे रिहाई कर लेना। ठीक है, ये तो मेरे दाएं बाएं का खेल है, ये सब मेरे बस का है। जब कहीं फंसोगे तो तुम्हें मैं छुड़ा लाऊंगा। आइए, जय माता भवानी। और विनती करो मैं बारम बार हो, और विनती करो मैं बारम बार हो, बूंदे पर का तो अंबे भाई व माता पिता से अपने पढ़ाई के शिक्षा के बारे में जरूर बताते हैं। हाँ भैया, लेकिन मेरे भाई तुम आकर मुझसे कुछ बताया नहीं। भैया मैं आपसे वही बताने आया हूँ और जरूर बताऊंगा, इसलिए तू मेरे भाई नहीं, तुम तो मेरे पिता के समान हैं। बड़ा भाई पिता के साम होता है। भैया बोलो, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि मेरा परीक्षा अतो के साल लखनऊ में पड़ गया है और परीक्षा में मुझे 300 रुपये की जरूरत है। भैया मैं आपसे मांगने आया हूँ। दरबारी, मेरे भाई का परीक्षा इस समय लखनऊ में चल रहा है, जाओ 300 के बदले अगर 30,000 लग जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। पढ़ लिख लेगा मेरा भाई, मेरा नाम संसार में रोशन करेगा, इसलिए जाओ 5,000 रुपया खजाने से निकाल कर मेरे भाई को दे दो। ठीक है, चलो चलिए, इन्हें स्टेशन तक छोड़ देना है। दरबारी, ये मेरे भाई नहीं है, ये तो मेरे पिता हैं। इसलिए है कि बचपन में हम दोनों की माँ मर गई है और भैया अपना शादी किए हैं, लेकिन भाभी माँ के कोख से कोई संतान पैदा नहीं किए,
अगर संतान पैदा कर देते तो ये कुंवर सिंह अधूरा हो जाता। इसलिए मेरे भाई अपने पत्नी की कोख से कोई संतान पैदा नहीं की। तो मैं जानता हूँ छोटा, लेकिन मैं भैया मैं जा रहा हूँ, लेकिन भैया अपना ध्यान रखना और मैं लखनऊ पहुँच जाऊंगा, आपके पास मैं फोन कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, मैं तुमसे हमेशा उम्मीद रखता हूँ कि मेरा भाई पढ़ेगा। अब तुझे ये भी जानता है कि तू 6 महीने का था तभी माता पिता का अंतकाल हो गया। हाँ महाराज, मैं पाल पोस कर तुझे इतना बड़ा कर दिया हूँ। जानता हूँ भैया। ये भी जानते हो कि जिस इंसान के पास विद्या नहीं है वो पशु के सामान होता है। हाँ भैया, इसलिए पढ़ लिख कर जा करके जब पढ़ लिख लोगे तो मेरा नाम संसार में फैलेगा। भैया मैं संसार में जीवित रहूंगा तो आपका नाम मैं जरूर रोशन करूंगा। मैं जा रहा हूँ भैया, अपना ध्यान रखना। ठीक है जाओ। मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मत भूल जाना तू। मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मत भूल जाना तू। मुझे तुम याद करना और मुझको भूल जाना। क्या खुश खबरी लाए हो महाराज? दरबार में महारानी जी आना चाहती हैं। क्या दरबार में महारानी जी आना चाहती हैं? जाओ उन्हें आदर के साथ में दरबार में हाजिर करो। क्या चाहती हो मेरी प्रिय, आके किस वास्ते हो गई हो मेरी, बोलो क्या। महाराज क्या है आपके लिए? मैं जिस काम के लिए आई हूँ मैं जरूर बताऊँ। हाँ बताइए क्या बात है। महाराज सुनिए मेरी बात। कहिए, इधर आ जाइए, बोलिए। काया ख्वाहिश हमारी यही है चली जाइए। देख कर मेला मड़े पुर का मन मलके, आज दिन भर में वापस चली जाइए। छोटे भाई के संग चले जाइए। आपको ये बात मालूम नहीं है कि इस समय देवर जी का परीक्षा लखनऊ में हो रहा है? ये बात मुझे मालूम है कि कुंवर सिंह का परीक्षा इस समय लखनऊ में चल रहा है। तो कोई बात नहीं, उसका परीक्षा होने दो, उसे पढ़ाई करने दो। ये मेरे मंत्री जी हैं, ये इन्हें मैं
कुंवर से कम नहीं मांगता हूँ। ये भी मेरे भाई के शरीके हैं, इनके साथ में जाओ मणपुर का मेला घूमकर दिन डूबने से पहले राज दरबार में चले जाओ। याय गे नगहरू भैया भीखापुर के अपने सरपुत के नौछौर में अनिल लड़कवा फूफा हुआ अपने सरपुत के नौछौर में एक से एक रुपया देते अब भैया सोहरवा सुनाई दिया जाए। धन्यवाद महाराज की जय हो। जय हो। तो क्या जो सरकार की और उसे चढ़ा जो सरकार की उसे चढ़ाऊं मात और देवी दर्शन की करा और लौट के आऊं। महाराज क्या है मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक है जाओ अपने मालकिन को मणपुर का मेला घुमाकर। महाराज हम हूँ जा भाई। तू कहाँ जाएगा? मणपुर मेला देखा। सबरा जब तू चला जाएगा तो राज दरबार का इतना बड़ा साम्राज्य है यहाँ का देखभाल कौन करेगा? हम नहीं जाएगा तो सब सामान कौन ले जाएगा? सच कहते हो सच कहते हो महाराज। क्या दरबारी को भेज दीजिए अगर ये रहेगा तो हर एक काम में हाथ बटाएगा। ठीक है अगर तुम्हारा इच्छा कहता है तो दरबारी तुम भी जाओ लेकिन एक बात याद कर लो कि जो माता बहनाएं बहू बेटियां हमारे शहर में हैं चले जाओ उन्हें टुक्की दे दो डिढोरा कर दो कि जो माता बहनाएं बहू बेटियां मणपुर मेला देखने जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं खर्चा रात दरबार की तरफ से उन्हें मिलेगा। महाराज माता बहनों जिसको मणपुर मेला देखना चाहती हैं इस समय महारानी अपने मंत्री और दरबारी के साथ जा रही हैं जिसको चलना है चल सकती हैं खर्चा रात दरबार के तरफ से सबको मिलेगा। आहो बेलही जय हो। तारा महतारी हुई ये हम जानी अपने घरा खड़ान बाबू ये क्या हुआ है भैया दरबारी आय महतारी बक, 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 बक। हम तहर बुआ हुई हां कहां चली बुआ ए हमू चलबे मेला मेला हां तो रोक ना आए चलो तू हूं हम एक चीज लेबे कौन चीज हाय देखो नीचवा ऐसे नाखून पॉलिश लेबे मिली हो मेला वाला। हाँ ठीक बता ए भैया भौजी कहाँ जाता हूँ मेला का और कहाँ तो हम ले चलो यह देखो इनका कब नहीं देखो चलती हूँ ना देखो मेरे पास पैसा ना आई है हम तो हन तब पैसा ना तब तू का कर बुझा पैसा हमारे पास नहीं है जो तू चाहे जे मेला में जोन खरीद लिया देखो महीन चीज मोट नहीं लिया बक हाँ मने सुई ले बा तो पटहारे की दुकान में मिली सुई आओ तू सुई हुई ना लिया तू हो चिकाई ना भाई नहीं रह दे हमर रह दे ना बता तू हो चिकाई ना तू ले जा छुरी बकदा हाय रे बपई ना यान का भाई ले दियो हाय रे दादा गाय के बड़े कौवा महारानी चलिए महारानी ये बताओ मणपुर मेले को जा रही हो तो हमारे लिए क्या क्या लाओगे? महाराज क्या है अरे देखो बे मणपुर का मेला हमार पिया
राज दरबार की ही जैसे सब आपका प्रजा उसे मुंह हुई। अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन आपको तो मैंने अपने रैयत में कभी देख ही नहीं हूँ। अरे कैसे देखो, आप जब अबो राजमहल से बाहर में नहीं निकल रहे थे। ए दरबारी, क्या बात है मलकिन, ये बता तू सपना तो नहीं देखता है? सपना नहीं, ख्वाब देख। जो कोई तुमको दरबारी बोलता है तो तुम महतारी कहते हो। महतारी बराबर मलकिन हुआ था दरबारी। सच कहते हो? अच्छा देखो ये कौन है, इससे तो थोड़ा बात करो। तू कौन, कहां से आई है, कहां चली हो? हां भैया हूं आनी है, सुने रहे इनके सब जाते मेला देख है। हां महाराज कहीं नहीं तो वह सोच के हम चलिए आए कि चलो हम देखे। देखो भाई तू हम लोगों के पहचान की ही नहीं, तू साथ के ले जाए। हे आ, इसको जानती हो? किसको? इसको मैं देखी हूँ। देखी हो? हाँ ये नट्टिन है। कहाँ पे रहती है? ये पड़वा लेके चरा रही थी देवी पाटन मंदिर लगा। पड़वा? हाँ भैया देखो ये जाना थी हमें। डेरा बस आए ही कुल पल्ली छान छान कर। तो पल्ली छान कर नहीं हुआ, देवी पाटन में आए। तुम झूठ बोल रही हो। अरे भागो दादा, तू खत्म मान तो इसको जानती हो? बेटा कहो अम्मा। मैं इसको कभी देखी नहीं हूँ। हे बुढ़की को तुम इसको जानती हो? मैंने कभी नहीं देखी मेरी लाल। आई रे दादा। हाँ माता। अच्छा ये बता, जब कोई पहचान में नहीं है तो निकल। अब तू सुनो सुनो हरियाणा मंत्री, इसको जानती हो? जानते हो? इसको जानते हो? नहीं नहीं, मंत्री भैया ये हम बढ़िया जानत है। बढ़िया का कल ही हमसे गए रहे चुम्मा मांगत रहे। तुम इसको जानते हो? हम हाँ महारानी हमसे चुम्मा मांगत रहे। हम नहीं जानते मलकिन जी, तुम्हें की बढ़िया से जाना था, सब बढ़िया ना आया और हमारे से नहीं आ रहा। हाँ ये देख लो मिर्जापुर के लगा सोटवा तानी ना। अच्छा महारानी जी के समनवा हो जाए। क्या कोई बात है? हाँ बोल बोल। कई छन ए दूर से दूर से दूर से दूर से ई का पहरे गटैया मा। ए मेरा सुहाग की निशानी नौलखा हार है। नो 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 लाग का है। यह नौलखा हार हुए? हाँ जी हाँ। ऐसे रात है? हाँ। नौ लाख का हार? जी हाँ। कितना मुंह ढाक कर रखी है तो छुअर जाए। हम जाने कौन गढ़ू हुई वजन हुई? नहीं नहीं देखो, जो कोई कीमती सामान होता है वो बहुत हल्का होता है। तेरे दिखाए तो महारानी खोल के थोड़ा इसका जजीर भर दिखाऊंगी। अरे वो पूरा दिखाओ। नहीं 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 इसको नहीं दिखाऊंगी। अरे महारानी दिखाए जो कह रहा इसको घास से खे दिए। अब तू ही मार वो हम। अच्छा हम चली जाए थे वो हरवा करके दिखाई दे महारानी। मैं वो थोड़ा एक दिखाई नहीं सकते। हेलो दर्शन देता है माया लिया धीरे धीरे दर्शन देता है आवा आवा है
श्री रामायण रचवायु तुम हमारी बे कहाँ पे बाकी कहाँ जगह भुलायु तुम आवा हंस सवारी धीरे धीरे